Hello and welcome, dear students. How are you all? I hope you all are fine. I am Kadambari and today I am going to teach you science for class 1. So, let's get started. We can see many things around us. हम अपने आस पास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे कि animals, birds, humans, plants, train, कार, टॉयज, साइकिल एक्सेट्रा. हम अपने घर में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे फ़ैन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर. तो ये सारी चीज़ें जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं. एक होती है लिविंग थिंग्स एंड दूसरी है नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स जिनमें जान होती है यानी कि सजीव वस्तु है, जैसे हम लोग, मनुष्य, मैं, आप और जितने भी ह्यूमंस हैं वो सारे लिविंग थिंग्स हैं. उनमें जान होती है, जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं, जो बढ़ते हैं, जो खाते हैं, जैसे कि हम सभी, जो एक जगह से दूसरी जगह खुद से चलकर जा सकते हैं, वो होते हैं लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं. दूसरी होती है नॉन लिविंग थिंग्स सच एज ट्रेन, कार, टॉयज, टीवी, फैन, रेफ्रिजरेटर, स्टोन, क्लाउड्स, सन, मून, स्टार्स. ये सारे हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है यानी कि अजीवित वस्तुएं, जो ना चल सकती हैं, ना सांस ले सकती हैं, ना खा सकती हैं, ना ही बढ़ सकती हैं और ना एक जगह से दूसरे जगह खुद से जा सकते हैं. आई विल शो यू थ्रू अ चार्ट जिसे मैंने बनाकर रखा है. थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स. लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं जिनमें जान होती है. नॉन लिविंग थिंग्स सच एज अजीवित वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती है. लिविंग थिंग्स जो सांस ले सकते हैं, जो बढ़ सकते हैं, जो खा सकते हैं, जो खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस यानी कि प्रजनन कर सकते हैं. सच एज ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य, एनिमल्स जानवर, बर्ड्स पक्षी, प्लांट्स एंड ट्रीज पेड़ पौधे. प्लांट्स एंड ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. नाउ वी लर्न अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि अजीवित वस्तुएं जो सांस नहीं ले सकती, जो बढ़ नहीं सकती, जो एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जा सकते, जो खा नहीं सकते और जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. सच एज टेबल्स, कार्स, स्टोन्स यानी पत्थर एंड सन यानी कि सूरज. वन मोर टाइम. लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं सच एज ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ट्रीज. Non-living things such as tables, cars, stones, sun. Now, how can we identify the things are living or non-living? हम ये कैसे पहचानेंगे कि जो चीज़ें हैं वो जीवित है यानी कि सजीव है या अजीवित है? Living things can breathe. Living things यानी कि सजीव वस्तुएं सांस ले सकते हैं. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स बढ़ सकते हैं. लिविंग थिंग्स कैन ईट. सजीव वस्तुएं खा सकते हैं. लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. सजीव वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह खुद से जा सकते हैं. एंड लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. सजीव वस्तुएं प्रजनन कर सकते हैं, इसका मतलब कि वह छोटे बच्चों को जन्म दे सकते हैं. नाउ How can we identify non-living things? Firstly, non-living things cannot breathe. अजीवित वस्तुएं सांस नहीं ले सकती, जैसे टेबल, चेयर, कार, ट्रेन्स. ये सारी चीज़ें non-living things हैं जो कि सांस ले नहीं सकती. Non-living things cannot grow. Non-living things बढ़ नहीं सकते. Non-living things cannot eat. अजीवित वस्तुएं खा नहीं सकती. Non-living things cannot move on their own.
अजीवित वस्तुएं खुद से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते, एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अजीवित वस्तुएं प्रजनन नहीं कर सकती। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन याद करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं एंड कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज नेचुरल थिंग्स एंड द सेकेंड इज मैनमेड थिंग्स। Non-living things are of two types. First is natural things, यानी कि प्राकृतिक चीज़ें। Things that are found in nature are called natural things, such as sun, moon, clouds, mountain. The second is man-made things, यानी मानव निर्मित चीज़ें, जिसे कि लोगों ने, मनुष्यों ने बनाया है, such as train, कार, टॉयज, टेबल, फैन, पेंट, पेंसिल एक्सेट्रा। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने एक वर्कशीट डाली है एंड दैट इज योर होमवर्क। सो राइट डाउन इन योर नोटबुक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज डोंट गो आउटसाइड, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग। गुड बाय।